दो कैदियों के बीच में झगड़ा हो जाता है। राजू रमन के पेट पे मुक्का मारता है और रमन की डेथ हो जाती है। मेहुल तुरंत क्राइम सीन पे पहुंच जाता है। मेहुल रमन की डेड बॉडी को ध्यान से देखता है। इसकी मौत झगड़े से नहीं हुई है, कुछ और रीजन है इसकी मौत का। लॉजिकल आरबी, मेहुल को ऐसा क्यों लगता है, क्या आप सोच के बता सकते हैं? मेहुल देखता है कि रमन के लिप्स ग्रीन हो गए हैं और उसने अपने प्लेट से हाफ खाना खाया है और उसकी प्लेट के पास एक चूहा भी मरा हुआ है। मतलब उस खाने की प्लेट में जहर था जिसकी वजह से उसकी और चूहे की भी मौत हो गई। तभी मेहुल वहाँ खाना बनाने वाले और बाकी लोगों की स्टेटमेंट सुनता है। राकेश कहता है, सर मैं तो बस खाना लाता हूँ, मुझे नहीं पता ये सब कैसे हुआ। सूरज कहता है, मैं तो सभी के लिए खाना बनाता हूँ, मुझे नहीं पता ये किसने किया। पंकज कहता है, मुझे नहीं पता, मैं तो सुबह से बगल वाले सेल में साफ सफाई कर रहा था, मुझे कुछ नहीं पता। सभी की बातें सुन मेहुल किचन में जाता है जहाँ खाना बन रहा था, फिर जहाँ खाना रखते हैं वहाँ जाता है और फिर बाजू वाली सेल में जाके देखता है। मेहुल तुरंत समझ जाता है कि कौन झूठ बोल रहा है। क्या आप बता सकते हैं लॉजिकल आर्मी, कौन झूठ बोल रहा है? जैसे कि पंकज ने कहा था, वो सुबह से बगल वाली सेल को साफ कर रहा था, लेकिन वो सेल तो बहुत गंदी पड़ी है। मतलब पंकज झूठ बोल रहा था, उसने सेल साफ नहीं की, बल्कि उसी टाइम उसने रमन के खाने में जहर मिला दिया और उसे मार दिया। मेहुल समझ जाता है और उसे पकड़ लेता है। केस सॉल्व। चलिए अगली पहेली देखते हैं। रमन अपना टिफिन टेबल पे रख के वॉशरूम चला जाता है। जब वो वापस आता है तो देखता है कि उसका टिफिन पूरा खाली है। ऐसा रोज होने लगा था, कोई रमन का टिफिन चुरा के उसे खाली कर दिया करता था। रोहन ने टीचर को भी कंप्लेन की, फिर भी चोर नहीं सुधरा और उसने रमन का टिफिन चुराना कंटिन्यू रखा। अब रमन को समझ नहीं आ रहा था कि कैसे समझे चोर कौन है। लॉजिकल आर्मी, सोचिए और मुझे बताइए, रमन क्या कर सकता है जिससे उसे समझ जाए चोर कौन है? रमन ने इस बार अपने खाने में पेट खराब होने वाला पाउडर मिला दिया। अब रोहन ने देखा कि उसके पिछले बेंच में बैठने वाला रोहन हर थोड़ी देर में वॉशरूम जा रहा है। रमन उसी से समझ गया, टिफिन इसी ने चुराया है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। टिंकू अपनी बाइक पे घर लौट रहा था। रास्ते में उसे सड़क पे एक आदमी पड़ा हुआ दिखता है और बगल में उसकी मोटरसाइकिल भी थी। उस आदमी की बॉडी से बहुत सारा खून निकल रहा था, लेकिन टिंकू अपनी बाइक नहीं रोकता और तुरंत वहां से चला जाता है। तो क्या आप बता सकते हैं टिंकू ने उस आदमी की मदद क्यों नहीं की? चलिए इसका आंसर देखते हैं। उस आदमी की बॉडी के आसपास बहुत सारा खून पड़ा हुआ था, लेकिन उसकी सफेद शर्ट पर खून का एक भी दाग नहीं था और उसकी बॉडी से खून नहीं निकल रहा था। मतलब जरूर वो आदमी नाटक कर रहा था जिससे शायद वो टिंकू को लूट सके। टिंकू ये समझ जाता है, इसलिए पुलिस को फोन कर देता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। तीनों को ध्यान से देखिए और मुझे बताइए कौन जिंदा नहीं है, ए बी या सी। सी की हार्टलाइंस रुक चुकी है और देखिए बोन्स भी दिख रही है, ये जिंदा नहीं है।